आईपीएल 2020 जो होने जा रहा है उस पर नजर न केवल क्रिकेटर्स की है बल्कि पूरे देश की है। और मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, देश की मतलब जो क्रिकेट की जानकारी नहीं रखते, जो क्रिकेट में रुचि नहीं रखते, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसमें दिलचस्पी लेंगे। क्योंकि आईपीएल 2020 जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होना जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से तीन शहरों में, तीन जगहों पर, दुबई, अबू धाबी और शारजा। तो उस आईपीएल में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार सिर्फ एक इवेंट से आ सकता है, इस इवेंट से। अब कितना आएगा, कैसे आएगा, ये तो अब बाद में आकलन होगा इसका, लेकिन अभी मैं ये बता सकता हूं कि इससे क्या क्या, कौन कौन से अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स प्रभावित होने जा रहे हैं और किन किन जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, उनको सीधा लाभ मिलेगा। पहली बात, अब इसका खुलासा करता हूं दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। अब जब आईपीएल शुरू होने जा रहा है 19 सितंबर से यूएई में, जैसे मैंने कहा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इतने बड़े बड़े जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इसमें गेट मनी तो आएगा नहीं, गेट मनी आएगा भी तो वो यूएई अथॉरिटीज को जाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ चंद मैच उसके बिना क्राउड के खेले जाएंगे, स्टेडियम खाली होंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि क्या करना है। और अगर गेट मनी आता भी तो उससे हमें क्या फायदा था, देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा था, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से जो 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 कंपनियां हैं, जो भारत की कंपनियां हैं, और उससे सीधा सीधा लाभ जरूर होगा। जैसे अब जैसे ऑन एयर स्पॉन्सर्स हैं, अमेजॉन है, फोन पे है, फ्लिपकार्ट है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, और मर्सिडीज जैसी कंपनीज हैं। अच्छा, अब जो बड़े स्पॉन्सर्स हैं, अब वो कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से क्षेत्रों से है, अब ये क्षेत्र सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, जैसे ई लर्निंग है, बहुत सारी ई लर्निंग कंपनीज हैं, ई पेमेंट एप्स हैं, ये तो आप जानते ही हैं कौन कौन सी हैं, और ऑटो सेक्टर है, जो इसके जो 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 एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। ठीक है, अब जो टीम स्पॉन्सर्स भी जो हैं वो भी अपना पैसा डालते ही हैं, जैसे अब ड्रीम इलेवन है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, नेरोलैक पेंट्स है, कॉलगेट है, जियो डिजिटल है। और अब दोस्तों इसमें अब सवाल ये है कि ये सारे तो पेमेंट जो जो एक सर्कुलेशन में आएगा, जो साइकिल में आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है कि इस आईपीएल, ये पहली मर्तबा है ये आईपीएल होने जा रहा है जो जो हॉलीडेज में आ रहा है, जो फेस्टिव सीजन में आ रहा है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नवरात्रों के दौरान आ रहा है, तो आप ये सोचिए। और सारे मैचेस कन्वीनियंट टाइम पर हैं, 7:30 बजे शाम को होंगे, 3 घंटे का मैच होगा। तो अब स्टार स्पोर्ट्स जो है, जो इन्होंने पिछले साल में 2,000 करोड़ रुपए कमाए थे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से, और इस बार उनका कयास है, उनके कैलकुलेशन है कि इस बार वो 2,400 करोड़ रुपए कमाएंगे, वो भी जबकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसके बावजूद,
और क्यों ना, अब देखिए 10 सेकंड के ऐड के लिए 12 लाख रुपए के चार्जेस हैं 10 सेकंड के ऐड के लिए। उन्होंने फिर अब ये भी कर दिया है कि जो पहले जो मैच से पहले का जो टाइम है वो भी बढ़ा दिया है, यानी कि टेलीकास्ट टाइम भी बढ़ा दिया उन्होंने, जिससे कि एड रेवेन्यू ज़्यादा आए। तो अब अगर जैसे हम बात करें दूसरी एक और हम बात करें अगर जैसे लाइव मैचेस अब स्टार स्पोर्ट्स दिखाएगा तो इसमें जो एड बुकिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, अब वो चाइनीज़ कंपनी ने तो अपना नाता तोड़ लिया जो स्पॉन्सरशिप से वीवो ने, लेकिन अब चाइना को तो ये अंदाज़ा शायद नहीं होगा क्योंकि वो क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, क्रिकेट नहीं खेलते वो। उनको शायद ये गुमान था कि भाई अगर वो उनकी कंपनी पीछे हट जाएगी तो आईपीएल ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ तो लाइन लगी हुई है, हुजूम लगा हुआ है अभी तो। यहाँ पर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बीसीसीआई के लिए, तो बीसीसीआई का सबसे जो है काम धेनु गाय है आईपीएल। और जो इसकी जो जो नेटवर्थ मार्केट में आकी गई है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, यानी अभी जो लेटेस्ट जो फिगर्स आई थी वो 3.5 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट वैल्यू बताई गई है, इसकी ब्रांड वैल्यू आईपीएल की। तो अब जो एड बुकिंग्स हो चुकी हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ई कॉमर्स है, डिजिटल पेमेंट्स है, फूड डिलीवरी एप्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के सब। और अब इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार स्पोर्ट्स ने प्री मैच जो ब्रॉडकास्ट है वो पहले 1 घंटे का होता था, अब 1.5 घंटे कर दिया। तो 30 मिनट में जो अब देखिए, अब अगर 10 सेकंड के ऐड का खर्चा 12 लाख रुपए आता है तो आप सोचिए कि 30 मिनट जो इन्हें एडिशन करा है उस 30 मिनट में कितने करोड़ों रुपए प्रति मैच आएंगे, प्रति मैच। अब जहां तक बात है, देखिए अब आईपीएल एक ऐसा स्पोर्ट है, एक आईपीएल एक ऐसा ब्रांड बन चुका है। अब देखिए आप कोई भी और स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं हो रही पूरे विश्व भर में, नहीं हो रही। सॉकर वर्ल्ड कप टाल दिया गया फीफा का, यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा था क्रिकेट का वो भी टाल दिया गया, लेकिन आईपीएल रखा गया, होल्ड किया जा रहा है। और चेन्नई सुपर किंग जैसे टीम के और बहुत लोग इनके प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं, उसके बाद भी होगा, क्यों होगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड, यानी इसके सारे वजह सारे कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा, कितना फायदा होगा ये आप बाद में देखेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल राजीव किशनदा को सब्सक्राइब करें।